हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पैकेजेस एंड कंटेनर में प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड मेथड स्टार्ट किया है, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड एज वेल एज प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट के दो तीन और नाम है, जिसके दूसरा नाम है रिजर्व या फिर कह सकते हो आप सस्पेंस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रोविजन अकाउंट दो अकाउंट हमें रेडी करने हैं, और आज के लेक्चर में ये मेथड के मोस्ट ऑफ द सम हम कवर कर लेंगे, जो सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम काम करने वाले हैं। तो एग्जांपल नंबर 17 आज का हमारा पहला सम होगा, पेज नंबर 35। टेक्स्ट बुक के साथ कैलकुलेटर और नोटबुक के साथ ज्वाइंट हो जाओ। पेज नंबर 35 पे सम नंबर 17, कृष्णा ट्रेडर्स लिखा है। कृष्णा ट्रेडर सेल्स गुड्स इन अ स्पेशल कंटेनर। कंटेनर आर चार्जिंग आउट ₹250 ईच टू द कस्टमर एंड क्रेडिटेड ₹150 ईच। भाई जो कृष्णा ट्रेडर्स है वो अपने गुड्स स्पेशल कंटेनर्स में बेच रही है, और कंटेनर कस्टमर के पास से 250 चार्जेस ले रही है। तो कस्टमर के पास से 250 चार्ज ले रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ 250। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर कस्टमर उसको वापस करेंगे तो उनको 150 रिटर्न देंगे। तो 150 इज अ रिटर्न और अ क्रेडिट प्राइस। नेक्स्ट वन। फिर उसके बाद है फोटो स्टॉक टेकिंग पर्पसेस ऑल द कंटेनर्स आर वैल्यूड 120। यानी कि क्लियर कट मेंशन है, अंडरलाइन कर देना कि स्टॉक टेकिंग पर्पसेस आपको हर एक कंटेनर 120 से दिखा रहे हैं। तो 120 कौन सा प्राइस हुआ, स्टॉक प्राइस या कॉस्ट प्राइस हुआ? हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंटेनर प्रोविजन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। दो अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए बोले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज प्रोविजन अकाउंट। नेक्स्ट फिर हमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे दिया है। परचेज प्राइस मुझे कहीं नहीं दिखा, उसके लिए अगर आप पैराग्राफ में जाओगे इंफॉर्मेशन में तो 4-1 नंबर की इंफॉर्मेशन है, कंटेनर आर परचेज 140, वो 140 से वो लोग परचेज कर रहे हैं। और वैसे भी प्राइस में मैंने क्या बताया था, सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है सेल, उससे कम होता है रिटर्न, उससे कम होता है परचेज, और सबसे कम होता है वो स्टॉक प्राइस है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट भी, अगर आपको कोई प्राइस का मतलब ना समझ में आए तो ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट दिन हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अब हमें ये दो नोट्स यहाँ पे आराम से कंप्लीट करनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है उस इन्फॉर्मेशन को पकड़ के यहाँ पे दो वर्किंग नोट्स में हम डालेंगे। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया है चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा है कंटेनर ऑन हैंड। कंटेनर ऑन हैंड यानी किसके पास, फॉर्म के पास क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1700। नेक्स्ट देखेंगे कंटेनर विद कस्टमर, कस्टमर के पास कितना है कंटेनर, लिखा है ऑन 850, तो कस्टमर के पास 850। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखा है कंटेनर परचेस, कितने परचेस किए 3200। परचेस का क्या करेंगे, फॉर्म में क्लोजिंग स्टॉक में ये परचेस हम ऐड कर देंगे, कितने ऐड करेंगे 3200। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वन कंटेनर सेंड टू द कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, कस्टमर को सेंड किए, सेंड का दो जगह पे एंट्री, फॉर्म में प्लस कस्टमर में प्लस फॉर्म में माइनस, कितने कंटेनर सेंड किए 5000, यहां पे प्लस टोटल आएगा 5850 एंड नीचे यहां से माइनस करेंगे 5000। आगे बढ़ रहे हैं, फिर लिखा है कंटेनर रिटर्न रिटर्न बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, कंटेनर कस्टमर ने वापस किए तो दो जगह पे एंट्री, यहां से माइनस, कितने माइनस करो 2800, यहां पे प्लस 2800। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लिखा है कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, कस्टमर ने रिटेन किए हमें लौटाए नहीं, अगर हमें नहीं लौटाए तो ये फर्स्ट वर्किंग नोट का आंसर रहेगा। रिटेन का मतलब क्या होता है, कस्टमर ने अपने पास रख लिए, कितने अपने पास रखे 24, is it clear? आगे बढ़ रहे, लिखा है कंटेनर स्क्रैप एंड सोल्ड 45 each, कंटेनर स्क्रैप थे, भंगार थे, भंगार स्क्रैप में हमने बेच दिया, कितने बेचे 120,
एंड लास्ट में लिखा है कंटेनर लॉस इन एक्सीडेंट, लॉस हो गए कंटेनर लॉस्ट, तो लॉस्ट कितने हुए 30। वो सब कुछ हमें माइनस ही करना होता है, लॉस हो, एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम हो या डैमेजेस हो गए, शॉर्टेज हो गया, कोई भी रीजन हो, वो सीधा फॉर्म में से हमें माइनस कर देना है। चलो तो वर्किंग कंप्लीट करने जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मिसिंग ये आंसर है, इसमें से अगर ये दोनों माइनस करूँ ना तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक में कस्टमर मिल जाएगा, ये हमें चाहिए होगा और आंसर आएगा 650। अगर हम यहाँ से टोटल करने जाए तो यहाँ पे टोटल आएगा 7700 और इसको जब इसमें से माइनस करोगे आपके पास नीचे आंसर आएगा 2550। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, पर जब ये आंसर आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको बाइफर्केट करते हैं दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट में? ओल्ड एंड न्यू। उसके लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर करना है परचेस के साथ। देखो जैसे मैंने कंपेयर किया परचेस के साथ, ये कम है, क्लोजिंग स्टॉक कैसा दिया है कम, तो इसका मतलब 3200 के सामने ये कम हो तो ओल्ड कोई है ही नहीं, फॉर्म के पास सारे के सारे कंटेनर कैसे हैं, नए वाले पूरे के पूरे। बट अभी एक पॉइंट और अराइज हो रहा है, अगर 32 में से इसके पास इतने हैं तो बाकी के नए वाले कंटेनर किसके पास होंगे, तो नए वाले कंटेनर बाकी के होंगे कस्टमर के पास क्लोजिंग स्टॉक में। तो अब हमें क्या करना होगा बच्चों, आराम से एकदम ध्यान से देखो कि जब परचेस के सामने क्लोजिंग कम हो तो हमारे पास सारे के सारे नए वाले हैं, राइट। अगर 32 में से इतने फर्म के पास हैं तो बाकी के नए होंगे कस्टमर के पास, तो कस्टमर के पास भी ओल्ड एंड न्यू, इसमें से हमें सबसे पहले नए वाले मिलेंगे। टोटल नए वाले 32 है, उसमें से फॉर्म के पास 2550 है, करो माइनस, तो नए वाले कस्टमर के पास होंगे भाई 650। कितने होंगे? आंसर विल बी 650। सो इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर के पास भी ओल्ड कुछ है नहीं, और इसका कंक्लूजन ये भी निकलता है कि फॉर्म के पास एंड कस्टमर दोनों के पास एंडिंग में नए वाले कंटेनर है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पास नए वाले कंटेनर मिल गए। अब हमारा काम है ये दो अकाउंट्स कंप्लीट करना। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट लेंगे? कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट। शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो डेबिट साइड लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर विद फॉर्म या विद फॉर्म विद कस्टमर। चलो कितना कितना है दोनों के पास, कस्टमर और फॉर्म के पास? फॉर्म के पास है 1700, कस्टमर के पास 850। प्राइस कौन सा लोगे? प्राइस लेंगे 120। करें जरा मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 2,04,000 एंड आएगा 1,02,000 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन डेबिट साइड और क्या आएगा? टू परचेज अकाउंट। हमने कितने कंटेनर परचेज किए हैं? 3200। प्राइस कितना लेंगे उसका? 140। चलो मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 4,48,000, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड जो अब हम मैं लेने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप टिक मार्क भी कर सकते हो। ये हम लेंगे कंटेनर प्रोविजन अकाउंट, कंटेनर प्रोविजन अकाउंट करके गुड्स एंड इनटू कौन सा प्राइस? क्रेडिट, क्रेडिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो गुड्स एंड कितना किया था हमने? 5000 का गुड्स एंड था, उसको मल्टीप्लाई करो क्रेडिट प्राइस यानी कि 150 से आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर विल बी 7,50,000। चलो इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह खर्चा हो तो यहाँ पर डेबिट साइड आता है, पर अभी कोई खर्चा है नहीं, तो अब हम जाते हैं हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले लिखेंगे बाय कंटेनर प्रोविजन अकाउंट अगेन, और क्या लिखेंगे? रिटेन्ड बाय कस्टमर। कस्टमर ने जो रिटेन किया वो कितना रिटेन किया है कस्टमर ने? 2400। प्राइस कौन सा लेंगे? क्रेडिट प्राइस, क्रेडिट प्राइस यानी 150। चलो करो मल्टीप्लाई 2400 को 150 से, ये अच्छे तरीके से लिखता हूँ, जीरो जैसा होगा ना आपको दिखेगा, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 3,60,000। नेक्स्ट एंट्री इसको मैं स्टार रेटिंग दूंगा, स्टार रेटिंग एंट्री टिक मार्क कर रहा हूँ, वो क्या है? अगेन बाय डेटर अकाउंट। ये डेटर अकाउंट करके कौन सा बैलेंस लिखने वाले? गुड्स एंड लिखेंगे
कौन सी प्राइस से गुड्स एंड दिखाएंगे? सेलिंग प्राइस। आगे रेंटल लिखते थे, रेंटल की जगह अब क्रेडिट वैल्यू से गुड्स एंड यहाँ पे सेलिंग वैल्यू से यहाँ पे, यानी सेलिंग वैल्यू ज्यादा होगी क्रेडिट वैल्यू से, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही दिखेगा, पर दोनों दिखना इस तरीके से है। ये क्रेडिट प्राइस जाएगा प्रोविजन में, ये जाएगा सीधा डेटर अकाउंट में। चलो गुड्स एंड इनटू सेलिंग प्राइस, गुड्स एंड हमने किया है 5000, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 250, करो तो जरा मल्टीप्लाई 250 से, आंसर विल बी 1,250,000। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक से पहले ये बचे कुचे पॉइंट ले लेने हैं, लॉस इन एक्सीडेंट या कोई स्क्रैप आपने बेचा हो तो उसको कंसिडर किया जाता है। लॉस इन एक्सीडेंट पहले ले लेते हैं, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस इन एक्सीडेंट। चलो लॉस इन एक्सीडेंट हमें क्लियर कट सबने बताया गया होगा, तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं। मुझे एक्सीडेंट का जो वैल्यू है, मतलब उन्होंने जो बताया है 30 बोला है और प्राइस वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो उसका प्राइस हम कौन सा लेंगे? कॉस्ट प्राइस 120 या 120 से हमें नुकसान होगा, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, तो 120 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपको आंसर मिल जाएगा और वो आएगा 3600। नेक्स्ट देखेंगे तो वो आएगा बाय कैश अकाउंट करके, ये तो हर सब में आपको देखने को मिलता है। सोल्ड एज स्क्रैप, जो आपने बंगार में बेचा है, सोल्ड एज स्क्रैप। चलिए कितना है स्क्रैप, तो स्क्रैप है 120, उसका प्राइस ऑलवेज गिवन होता है, कितना प्राइस दिया है देखो तो 45। चलो 45 गिवन, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5400। एंड लास्टली ट्रेडिंग अकाउंट बंद करना है तो उसमें लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में क्या आएगा? विद फर्म विद कस्टमर, दोनों के पास नए वाले हैं, पुराने वाले हैं ही नहीं, और नए वाले हैं 2550 फॉर्म के पास एंड कस्टमर के पास 650। अब क्वेश्चन अराइज होता है प्राइस कौन सा लेंगे, तो आगे एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस जो मैंने आपको बोला है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा है फॉर स्टॉक टेकिंग पर्पसेस ऑल कंटेनर आर वैल्यूड एट 120। अदरवाइज ये सेंटेंस ना होता तो नए वाले नए प्राइस से, यानी कि नई प्राइस 140 हम दिखा देते हैं, पर क्योंकि उन्होंने सब में इंफॉर्मेशन दिया है कि प्राइस कंसीडर करो 120, तो मैं प्राइस 120 ही कंसीडर कर पाऊंगा। स्टार रेटिंग प्राइस कौन सा लेना है ये पता होना चाहिए आपको। मल्टीप्लाई करेंगे जरा, 3,06,000 आंसर आएगा एंड सेकेंड का आंसर हमारे पास आएगा 78,000। अब टोटल, चलो सबसे पहले नंबर्स का टोटल करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए 5750, और फिर उसके बाद अमाउंट का टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है 20,03,000, 20,03,000। और नेक्स्ट यहाँ पर जो डिफरेंस अराइजेस होगा दैट इज कंसिडर एज प्रॉफिट, जो कि जाएगा पीएनएल अकाउंट में, बहुत ही इजी। और प्रॉफिट का आंसर कितना आएगा? 4,99,000 आंसर आएगा, आप आंसर में चेक कर सकते हो। तो ये मेन अकाउंट है बच्चों जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोविजन अकाउंट लिखेंगे, सिर्फ दिखावे का अकाउंट। देखो क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस एंट्री टू कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक, या सिर्फ ओपनिंग स्टॉक करके भी आप लिख सकते हो। कस्टमर के पास 850 है, क्रेडिट प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देना है, 150 से सबको मल्टीप्लाई करना है, करो जरा मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 127,500। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और है टू कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी बार कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट करके क्या वैल्यू लिखना है? रिटेन्ड बाय कस्टमर, और रिटेन्ड बाय कस्टमर सॉरी गुड सेंड लिखना है, माय मिस्टेक, गुड सेंड जो हमने उसको किया था ऑलरेडी क्रेडिट प्राइस है वहां पे दिया हुआ है, 5000 नंबर्स है और प्राइस है 750। अब आप चाहो तो इस साइड का टोटल भी कर सकते हो 5850, इस तरीके से टोटल आएगा। लास्ट वाला टोटल 8,87,500, क्योंकि इस साइड दो ही चीजें आएगी और वो टोटल मैं यहाँ पे रख लू तो मेरा इस साइड का काम भी हो जाएगा। पर डेबिट साइड कितनी चीजें आएगी,
अगर ओपनिंग एंड सेंड आपने यहाँ पे लिखा है तो रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक एंड रिटेन तीनों की एंट्री यहाँ पे होगी। सबसे पहले वो रिटर्न वाला क्रॉस एंट्री यहाँ पे लेके आओ, देखो टू यहाँ पे बाय बाय करके लिखना पड़ेगा, अकाउंट अच्छी का रूल है, डेबिट साइड लिखो तो टू टू करके लिखना है, क्रेडिट साइड लिखो तो बाय बाय करके। चलो वहां से कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट करके रिटेन बाय कस्टमर करके लिखना है, रिटेन वैल्यू कितना है 24 एंड प्राइस 360। नेक्स्ट लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, टू क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक है 650, प्राइस 250 से 150 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 97500। एंड लास्टली यहां पे आएगा टू डेटर अकाउंट करके एक एक्स्ट्रा एंट्री, डेटर अकाउंट करके क्या लिखेंगे रिटर्न बाय कस्टमर, क्या बाकी रहा, ये आ गया तो ये बाकी रहेगा, तो वहां पे रिटर्न उसने किया है 2800 और उसका प्राइस आप लोगे 420, और इस तरीके से आपका दिखा हुए का प्रोविजन अकाउंट पूरा हो जाएगा। तो देख लो ये एग्जांपल हुआ 27, एक भी पॉइंट नया नहीं है, होमवर्क में आप सम नंबर 22 करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। चलिए तो आज के लेक्चर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम करता है एग्जांपल नंबर 10, और ये मेथड का सबसे अच्छा सम कह सकते हो, इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट मांगा है डेटर अकाउंट, अल्टीमेटली वो हमारी मेथड नंबर 3 बन जाती है, एक ही सिर्फ डेटर अकाउंट नया बनाना है, बाकी एज इट इज ये मेथड अब आप समझ चुके होंगे, तो मैंने बाकी की डिटेल एज इट इज रखी है, सिर्फ सब में दी गई इंफॉर्मेशन को इसमें डालेंगे, पैकेजेस एंड कंटेनर का काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट सम एग्जांपल नंबर 10 तरंग लिमिटेड, पेज नंबर 3030। चलो वहां पे लिखा है तरंग लिमिटेड सेल्स एज गुड्स इन रिटेनेबल कंटेनर व्हिच आर चार्ज टू कस्टमर ₹100 ईच। कस्टमर के पास ₹100 चार्ज लिए जाते हैं, कस्टमर के पास चार्ज लेना यानी सेलिंग प्राइस 100। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है द क्रेडिट इज ₹80 ईच इफ दे आर रिटर्न विद इन 2 मंथ। अगर वो 2 मंथ में वापस करें उनको ₹80 क्रेडिट दो, यानी क्रेडिट ₹80। नेक्स्ट लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, हमें क्या प्रिपेयर करना है, कंटेनर स्टॉक अकाउंट, कंटेनर रिजर्व अकाउंट एंड डेटर अकाउंट, एज्यूम द कंटेनर्स आर वैल्यूड एट बुक ₹40 ईच। बुक में कितनी प्राइस लिखेंगे 40 ईच, ईच वर्ड लिखा यानी हर एक का ₹40 की लेंगे, और हर एक का 40 मतलब आपके पास जो भी क्लोजिंग होगा सभी का कितना प्राइस लोगे 40। उन्होंने क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे दिया है, पर मेरे यहाँ पे ध्यान जा रहा है वो 3 अकाउंट पे, उन्होंने स्टॉक रिजर्व एंड डेटर अकाउंट मांगा है, हमारी मेथड में ट्रेडिंग एंड प्रोविजन यानी रिजर्व होता है, पर वो जो स्टॉक बोले या ट्रेडिंग बोले, अगर स्टॉक के साथ ट्रेडिंग वर्ड अलग से यूज नहीं किया है तो स्टॉक एंड रिजर्व का मतलब यही वाली मेथड होता है, इसको आप ट्रेडिंग कहो या स्टॉक कहो एक ही है, यानी कि उसके साथ रिजर्व मांगा है इसलिए वो सेकंड पैटर्न से आपको सब कैलकुलेट करना है एज इट इज। तो अब हम क्या करेंगे, अब बाकी की इंफॉर्मेशन से सबको कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास अभी तक एक प्राइस नहीं है परचेस, पर वो नीचे कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, ठीक है, परचेस हमें दिया होगा, यस सामने के पेज पे आपको परचेस दिख जाएगा ₹60, इक्वेशन में दिया हुआ ही है। आगे बढ़े, चलो सबसे पहले है स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड यानी 1412 का ओपनिंग स्टॉक कह सकते हो, हाँ फर्म के पास ओपनिंग 250, देन एज इट इज कस्टमर के पास ओपनिंग 400, फिर उसके बाद हमें दिया है कंटेनर डेटर अकाउंट बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, जब डेटर अकाउंट बनाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में, फिर है रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया 900 फॉर्म में ऐड हो जाएंगे और कस्टमर से 900 माइनस हो जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं, देन लिखा है डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, डिस्ट्रॉयड हुआ एक्सीडेंट में, चलो डिस्ट्रॉयड वाला लिखेंगे, डिस्ट्रॉयड कितना हुआ है वैल्यू ₹50, 50 डिस्ट्रॉयड हुआ माइनस कर दी गए, सोल्ड एज स्क्रैप बंगाल में 20 बेचे 20 फ्लिप दिए, फिर लिखा है स्टॉक विद कस्टमर, कस्टमर के पास स्टॉक डेट है 31/3/13 यानी एंडिंग क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर है 350 लिख दिया। चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है परचेस, परचेस फॉर्म में ऐड हो जाएगा 600,
आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद है सेंड टू कस्टमर, कस्टमर को सेंड किया, फॉर्म में से माइनस, कस्टमर में प्लस, हो गया इंफॉर्मेशन कंप्लीट। लास्ट में उन्होंने लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, कस्टमर के पास से पैसे मिले, कैश मिला, उसके एंट्री हम कस्टमर अकाउंट में करेंगे। आई थिंक अभी के लिए इसका काम पूरा हो चुका है, सिर्फ टोटल टोटल करना है, इसका टोटल इसमें से ये दोनों माइनस, आंसर विल बी 8000। अच्छा रुको, मैं जरा इसको टर्न कर लेता हूँ, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 200 फाइनली, राइट। ये क्या मिला हमें, रिटेन बाय कस्टमर। चलो इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1750। एंड नेक्स्ट उसमें से अगर ये तीनों माइनस करोगे तो आंसर विल बी 630। हाउ मच आंसर, 630। अब हमें क्या करना होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, ओल्ड एंड न्यू। देखो कंपेयर किया विद परचेज, परचेज है 600, तो इसमें से 600 कितने कैसे होंगे, नए वाले, तो बाकी के 30 वो कौन से होंगे, ओल्ड वाले। तो परचेज आपके क्लोजिंग स्टॉक से कम है तो सारा का सारा परचेज आपका नया हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, बाकी का डेटा ओल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से कस्टमर में से क्लोजिंग स्टॉक के टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, वो तो पुराने वाले होंगे क्योंकि सारे परचेस फर्म के पास है, परचेस किए हुए कंटेनर एंड में फर्म के पास मिल गए। चलो अब हम जाते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करने, जल्दी से फटाफट प्लीज इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमें पता है। ओपनिंग स्टॉक विद फर्म 250, फिर विद कस्टमर है 400, प्राइस विल बी 4040, करें जरा मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 10,000, 16,000। परचेज हमारे पास है 600, उसका प्राइस 600 है तो आंसर विल बी 36,000। इस तरीके से फिर हमें कंटेनर प्रोविजन अकाउंट लिखना है, गुड्स एंड इनटू क्रेडिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, गुड्स एंड हमने किया है 1050, क्रेडिट प्राइस है 80, 80 रुपए से मल्टीप्लाई करो तो जरा, 80 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 84,000। यहाँ पे रिटेन बाय कस्टमर कितना रिटेन किया, 200, क्रेडिट प्राइस कितना है 80, मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 16,000। नेक्स्ट बाय डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट गुड्स एंड इनटू सेलिंग प्राइस लिखते हैं, 1050 इनटू सेलिंग प्राइस विल बी 100, मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक आंसर आएगा 1,05,000। अब बाकी की एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा में कौन सा है, डिस्ट्रॉयड एंड स्क्रैप, डिस्ट्रॉय जाएगा पीएनएल में, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्ट्रॉयड, कितना डिस्ट्रॉयड किया 50, प्राइस कौन सा लोगे 40, मल्टीप्लाई करने से आंसर आई थिंक 2000 आंसर आएगा, यस 2000 दिख रहा है। लास्ट में बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट करके क्या लिखोगे, सोल्ड एज स्क्रैप, स्क्रैप में आपने बेच दिए। चलो कितने बेचे, तो आंसर दिया हुआ हमें 20, प्राइस विल बी गिवन होगा, चेक करो तो स्क्रैप पे कितने पैसे मिले हैं हमें, स्क्रैप पे उन्होंने बोले 2.5 ही कंसीडर करने हैं, तो 2.5 इज गिवन, करो मल्टीप्लाई, आंसर विल बी ओनली जस्ट और जस्ट 50 रुपीज, कितना जस्ट 50 रुपए मिला। अब क्लोजिंग लिखते उसी के साथ अकाउंट बंद हो जाएगा, क्लोजिंग विद फॉर्म ओल्ड है न्यू है और कस्टमर के पास तो ओल्ड ही होंगे, तो फॉर्म के पास ओल्ड है 30 और नए वाले हैं 600 एंड कस्टमर के पास है 350 और क्लियर कट बोला है ईच कंटेनर विल बी चार्ज 40, 40 रुपए से चार्ज लेना है, यानी हर एक का कौन सा प्राइस दोगे 40 40 40, सेकंड वाले को मैं स्टार रेटिंग दे रहा हूँ, पता चलना चाहिए उस 40 क्यों लिया है, 1224,000 एंड नेक्स्ट वाला आएगा, अच्छा 1224,000 एंड नेक्स्ट वाला आएगा 14,000, यस। अब टोटल टोटल नंबर्स का कॉलम इक्वल हो जाना चाहिए, 1250 नंबर्स का कॉलम आएगा, 1250 नंबर का कॉलम, अमाउंट का टोटल आप करोगे 162,250 आएगा, 162,250 यहाँ पे आंसर आएगा और डिफरेंस निकालोगे तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा 16,250, कितना आंसर 16,250। इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो चुका है,
सिर्फ कॉपी पेस्ट पे वर्क, सिर्फ लिखने का काम करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अब प्रोविजन अकाउंट तो एकदम दिखा हुआ का अकाउंट है, उसको बंद करता है। यहाँ पे डिटेल डाल के रिटेन रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये डाल देखो। रिटेन किए हमने 200, रिटर्न कितना किया 900 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 350, टोटल विल बी 1450। इसी तरीके से वहां पे भी हमें ओपनिंग एंड सेंड लिख देना है। ओपनिंग है 400 और जो सेंड है 1050, 1450 टोटल विल बी सेंड। सभी को एक ही प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, वो प्राइस है 80। ये तीन जो है वो डेबिट साइड आए और ये जो दोनों है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, सभी को 80 से मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा 16,900 को मल्टीप्लाई करोगे वो डेटर में जाएगा 7200। देखना इसकी क्रॉस एंट्री, अब भी हम डेटर अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट होगा 28,000 एंड द टोटल विल बी 1,16,000, 1,16,000 बोथ द साइड। और ओपनिंग का मल्टीप्लिकेशन होगा 32,000 एंड नीचे वाला टोटल होगा 84,000 और आंसर विल बी सेम। देख सकते हो बोर्ड पे जितना भी लिखा है दोनों अकाउंट के साथ, इसको कंप्लीट करो। मैं ये वर्किंग नोट यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटर अकाउंट अभी ये वाले सब में बनाना बाकी है, तो आराम से इंफॉर्मेशन लिख दो, नोट्स खास लिखना क्योंकि मैं उसको रफ करने जा रहा हूँ। चलो तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने छोटा सा डेटर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। डेटर अकाउंट आप 11-12 से पढ़ता रहोगे, डेटर का ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस होता है लास्ट में। और डेटर हमारे लिए वन काइंड ऑफ असेट है, वो पर्सनल अकाउंट है और उसका रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। तो अब यहाँ पे उसके साथ किए हुए कुछ ट्रांजेक्शन है जिसकी यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, अगर आप क्वेश्चन में देखने जाओगे तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपको ऑलरेडी दिया है 48,000 और उसमें सिर्फ दो ही कॉलम बनेगी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट हमें कितना डेटर के पास कैश मिला वो भी सब में दिया हुआ है। पेज नंबर 31 पे देखोगे कैश कस्टमर के पास से मिला, एंट्री क्या होगी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू गिवर, डेटर हमें पैसे दे रहा है। तो डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट करके 32,000, उसका क्लोजिंग अभी तक हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन मार्क से मिलेगा कि डेटर के पास कितना क्लोजिंग है। उसके लिए उसके साथ किए गए दो ट्रांजेक्शन की एंट्री करो, जो गुड्स हमने उसको सेंड किए और जो उसने रिटर्न किए। हमने उसको सेंड किया यानी एक तरह का सेल, जब कस्टमर को आप सेल करते हो ये देखो यहां से क्रॉस एंट्री, यहाँ पे डेटर अकाउंट करके दिख रहा है आपको, ये देखो अलग पेन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये डेटर अकाउंट कहाँ एंट्री करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट साइड टू कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट करके गुड सेंड, क्या लिखेंगे गुड सेंड, कितने का गुड सेंड किया, सेलिंग प्राइस के साथ 1,05,000। कैसे आए 1,05,000, 1,050 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, ठीक है। जब वो हमें लौटाएगा ये रहा देखो, यहां से क्रॉस एंट्री यहां पे करेंगे बाय कंटेनर प्रोविजन अकाउंट गुड्स रिटर्न, उसने हमें रिटर्न किए, कितने के रिटर्न किए 900 × 80 रुपीज 72,000। अगर आप टोटल करोगे तो आई थिंक हमारा काम हो जाएगा और गुड्स रिटर्न के बाद यस 72,000 है यहाँ पे, ओके ये टोटल विल बी 1,55,200, ओके 1,55,000, 155 यहाँ पे रखा और मिसिंग वैल्यू अगर आप ढूंढोगे वो डेटर का क्लोजिंग आएगा, ओके 153 है, माय मिस्टेक 153 है और द आंसर ऑफ क्लोजिंग विल बी 49,000। देख लो तो ये हो गया हमारा अच्छा सा, सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल नंबर 10। साथ में होमवर्क में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 और 4 दिया है जो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। चलो बच्चों आज के दिन का वन लास्ट एक और सम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 37, क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए,
ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 का सम है, जो आगे हमने सम नंबर 28 किया था, फर्स्ट मेथड में किया था। ये वर्किंग नोट ऑलरेडी हमने वहां पे बनाई थी, पर फिर से एग्जांपल नंबर 27 में हम वो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर मांगे है ट्रेडिंग एंड प्रोविजन। सम नंबर 28 का अगर आप आंसर चेक करोगे, यहाँ का पीएनएल एंड वो पीएनएल आंसर सेम टू सेम आएगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट आज के लेक्चर का लास्ट सम, सम नंबर 27। पेज नंबर अभी आप होने चाहिए 43। लिखा है अ कंपनी सप्लाइज अ प्रोडक्ट ऑफ रिटेनेबल कंटेनर, द कंटेनर इज इनवॉइस कस्टमर ₹50। कस्टमर के पास 50 चार्ज लेना सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट वन लिखा है इफ दे आर रिटेन विद इन अ मंथ क्रेडिट विल बी 40, कस्टमर को ₹40 वापस करो। नेक्स्ट लिखा है फॉर द अकाउंटिंग पर्पसेस ऑल स्टॉक आर वैल्यूड इन हैंड एट वैल्यू ऑफ ₹25। हर एक कंटेनर का 25 लिखना है, पर एक सेंटेंस लिखा है क्लियर कट मेंशन है एक्सेप्ट दोज रिप्रेजेंटेटिंग न्यू वंस व्हिच आर वैल्यूड एट देयर परचेस प्राइस 30। आपको पुराने सारे कंटेनर 25 से दिखाने हैं, बट जो नए वाले हैं वो आपको 25 प्राइस से दिखाने हैं, जो कि है 30। इस तरीके से क्लियर। तो ये देखो हमारी चार प्राइस आ गई। फिर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 1416 यानी ओपनिंग विद कस्टमर है 7000 एंड विद फॉर्म के पास है 4000। सम नंबर 28 में ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वन क्लोजिंग विद कंटेनर विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर दिया है 8000 और सेकेंड वर्किंग नोट का आंसर दे दिया है 10000। देखते हैं क्या मिसिंग है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ कंटेनर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, चलो फायर में डिस्ट्रॉयड हुए कितने, डिस्ट्रॉयड हुए 1800, फिर स्क्रैप है 200 माइनस कर दे जाए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंटेनर सेंड, सेंड कितने किए हैं 10000, फॉर्म में माइनस कस्टमर में सेंड प्लस हो जाएंगे, यहां पे आएगा 17000। आगे बढ़ गए। नेक्स्ट नंबर ऑफ कंटेनर रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने 1000 वापस लौटाए, 1000 यहां से माइनस और यहां पे प्लस, इस तरीके से लो। फिर उसके बाद है स्क्रैप ऑफ कंटेनर रियलाइज, स्क्रैप पे आपको 1000 मिले, रिपेयरिंग का खर्चा दिया है 20000 वैट पे। तो ये दोनों तो लास्ट में हम एंट्री करेंगे, अभी के लिए हमारे पास ये वर्किंग नोट अगर हमें कंप्लीट करना है, यहाँ पर अपने पास आंसर आएगा 8000 फर्स्ट में। ओके तो ये इसको राउंड कर देते हैं। ये परचेस हमें नहीं मालूम कैसे मिलेगा, रिवर्स जा सकते हैं, इसमें ये तीनों को ऐड करो हमारे पास एक टोटल आएगा एंड दैट विल बी 22000। अब इसमें से अगर मैं 5000 माइनस करूं मुझे मेरा परचेस 17000 मिल जाएगा। अब एक छोटा सा काम क्या करना है, इसमें से दो अलग करो ओल्ड एंड न्यू, तो नए वाले कितने होंगे, सारे के सारे न्यू वाले होंगे। कैसे पता चला सारे के सारे न्यू वंस होंगे, क्योंकि परचेस इससे ज्यादा है, ये 10000 जो बच्चे परचेस सामने 17000 है, तो 10000 अगर फॉर्म के पास है बाकी के 7000 किसके पास है, ये होंगे कस्टमर के पास ओल्ड एंड न्यू। न्यू वाले कैसे आएंगे 17000 माइनस 10000, यहाँ पे आंसर आएगा 7000 और यहाँ पे ओल्ड वाले आंसर आएंगे 1000। तो ये हो गया बाय फॉरगेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब सिर्फ 2 मिनट का काम है, अगर आप इसमें इंफॉर्मेशन पुट ऑन कर दो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड चालू करेंगे विद फॉर्म विद कस्टमर, ओपनिंग स्टॉक विद फॉर्म है 4000, कस्टमर के पास है 7000, प्राइस उसका कितना ले सकते हैं, प्राइस उसका लेंगे 25, चलो मल्टीप्लाई करेंगे 25-25 से मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी 1,01,75,000 एंड नेक्स्ट वो होगा परचेस, परचेस कितना किया है हमने 17000, प्राइस विल बी 30 से मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी 5,10,000। नेक्स्ट गुड सेंड हम यहाँ पे लिखेंगे और वो भी क्रेडिट प्राइस है, कितना सेंड किया है पूरे 10000, प्राइस क्रेडिट, क्रेडिट प्राइस कितना है 40 मल्टीप्लाई से आई थिंक 4 लाख आंसर आएगा, हाँ तो 4 लाख हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। आगे बढ़ रहे क्रेडिट साइड जाएंगे रिटेन बाय कस्टमर, कस्टमर ने कितना रिटेन किया, ये रहा रिटेन 8000, क्रेडिट प्राइस विल बी 440, करो मल्टीप्लाई 40 से आंसर विल बी 3 लाख। नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे,
तो डेटर अकाउंट करके गुड्स एंड सेलिंग प्राइस से लिखा है, गुड्स एंड हमने 10,000 का किया है, सेलिंग प्राइस विल बी 50, तो आई थिंक आंसर इज 5 लाख। नेक्स्ट वन पीएनएल अकाउंट करके डिस्ट्रॉय कितने किए, 1800 डिस्ट्रॉय किए, प्राइस कौन सा लोगे, 25 लेंगे। चाहे हर सम में एक ही जैसे रिपीटेड पॉइंट है, अगर डिस्ट्रॉयड हो तो पीएनएल में जाएगा, वो भी कॉस्ट प्राइस में, करो मल्टीप्लाई, 45,000 आई थिंक आंसर आएगा। भंगार में बेचे, भंगार में कितने बेचे, सिर्फ 200, उसके कुछ पैसे मिल गए, प्राइस नहीं लिया पर बोले 1,000 मिले, तो यहाँ पे गिवन 1,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, स्टार रेटिंग, क्लोजिंग स्टॉक विद फॉर्म सारे के सारे न्यू, पर कंज्यूमर के पास ओल्ड एंड न्यू। चलो लिखते हैं हम, फॉर्म के पास 10,000 है, कंज्यूमर के पास ओल्ड वाले हैं 1,000 और नए वाले हैं 7,000। अब प्राइस कौन सा लेंगे, उन्होंने ये बोला था कि सारे कंटेनर 25 में दे रहे हैं पर नए वाले नए प्राइस में, अब नए वाले यानी कि ये 10,000 7,000 उसका कौन सा प्राइस लोगे, 30 30 स्टार रेटिंग, और ये जो ओल्ड है सिर्फ उसी का 25 प्राइस लोगे, एक्सेप्ट दोस न्यू रिप्रेजेंटेटिव न्यू वंस, ऐसा सेंटेंस उसमें मेंशन है, करोगे जरा मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 3,25,000 एंड लास्ट में आंसर आएगा 2,10,000। एंड अब अगर आप इसका टोटल कर दोगे तो सबसे पहले ये जो कॉलम है उसका टोटल मैच हो जाना चाहिए, 28,000 टोटल मैच होगा, कितना टोटल मैच होगा 28,000। अच्छा रुको, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है तो इसको मैं जरा टोटल कर देता हूँ, क्योंकि 70,000, 7,000 and 4,000, यस टोटल विल बी 28,000 एंड अमाउंट का अगर हम टोटल करें तो 14,01,000 टोटल आएगा, 14,01,000, और जब डिफरेंस निकालोगे इट विल बी 1,96,000। जब सम नंबर 28 स्टॉक एंड ट्रेडिंग मेथड से किया था ना, उसका आंसर भी आपका सेम ही आ रहा होगा, तो आंसर आपका सेम आएगा चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग मेथड यूज करो या ट्रेडिंग प्रोविजन मेथड यूज करो। अब इसको तो अगर मैं आपको ना समझाता तो भी आप अपने आप कर लेते हैं, पर क्योंकि लास्ट सम ले रहा हूं तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिटेन कितना है 8,000, फिर हमें लेना है रिटर्न लेना है 1,000 और लास्ट में हमें क्लोजिंग लेना है वो भी 8,000। सभी का एक क्रेडिट प्राइस 40 रुपए से आपको मल्टीप्लाई कर देना है एंड यहाँ पे इसका टोटल आएगा आई थिंक 17,000। चलो यहाँ पे ओपनिंग एंड गुड्स है, ओपनिंग है 7,000 एंड गुड्स है 10,000, एक दो का प्राइस हमें दे दिया है, जैसे कि रिटेन वहां पे है 3,00,000, फिर इसको अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 40,000 आएगा और फिर यहाँ पे 3,00,000 आएगा, दैट मींस 6,40,000 सिर्फ दिखावे का अकाउंट है प्रोविजन। यहाँ पे ओपनिंग में अगर हम ले लें तो आंसर विल बी 2,10,000 एंड ये 10,00,000 ऑलरेडी किए तो 4,10,000 आंसर विल बी अगेन, अच्छा रुको यहाँ पे 4,00,000 और यहाँ पे आएंगे 2,80,000, चेक कर लेते हैं हम, यस 2,80,000 आएंगे, यहाँ पे 320 आएगा टोटल, 320 हाँ आंसर में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 320 आएगा और ऊपर यहाँ पे भी 320 करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मुझे दिखा है, 320 है ये, 320 और आंसर में होगा 680, यहाँ पे आएगा 2,10,000, नहीं यहाँ पे आंसर आएगा 2,28,000। तो देखो ये थोड़ा सा टोटल में प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ पे मेरा ध्यान रहा 8×40 करोगे आंसर वो आएगा और ये तो मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही क्रेडिट प्राइस से कर देना है। तो ये हो गया हमारा देखते देखते एंड ऑफ एग्जाम्पल नंबर 27, साथ में दो सब मैं होमवर्क में दिया है 23 एंड 24। अच्छा उसमें भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ एग्जाम्पल में, हेल्प इन 24, उसमें क्या मदद करनी है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जो आपका प्राइस है पेज नंबर, अगर आप सम नंबर 24 का निकालोगे, मेरे पास जो बुक है मैं उसमें देखने जा रहा हूँ, सब पेज नंबर है 40, उसमें क्या मिस्टेक है, तो एक आपको जो सेलिंग प्राइस दिया है कंटेनर का चार्ज आउट
कस्टमर को चार्ज करते हैं यानी सेलिंग प्राइस 240 है, उसकी जगह पे आप सेलिंग प्राइस लोगे 250 विल बी टेकन। अगर सेलिंग प्राइस ये नहीं लोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो सेलिंग प्राइस में चेंज कर देना कौन से सम में, सम नंबर 24। चलो आराम से बोर्ड पे से जितना भी लिखा है सब कुछ कॉपी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ पैकेजेस एंड कंटेनर। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन for notifications.